फ्रेंड्स, अगर आपने भी एक फेसबुक पेज बनाया है और उसके ऊपर आप रील्स भी अपलोड कर रहे हो, वीडियोस भी अपलोड कर रहे हो और उनके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे, या कोई भी रील आपकी वायरल नहीं हो रही, ना ही कोई वीडियो वायरल हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 5 रीजन होते हैं मेनली। अगर आप कंटिन्यूअसली रील्स भी अपलोड कर रहे हो और वीडियोज भी अपलोड कर रहे हो और फिर भी वो कोई व्यूज सही से नहीं आ रहे और ना ही कोई रील वायरल हो रही है और ना ही कोई वीडियो वायरल हो रहा है, तो फ्रेंड्स चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर। बाकी बातें थोड़ी बाद में करेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखिए, जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ और ये 3 डॉट, मैं इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक किया, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, आज की तारीख में सबके पास 2 या 3 पेज तो होते ही हैं। जैसे उस पर क्लिक किया, जिस पेज के अंदर आपको जाके सेटिंग्स करनी है उसको बड़ी इजिली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे सबसे पहला जो टॉप रीजन होता है ये हो सकता है, ये जैसे हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर दिख रहा होगा, सपोर्ट इनबॉक्स। आप लोगों को शायद ये पता भी होगा और किसी को नहीं भी पता होगा, तो देखते रहिए। जैसे ही उस पर क्लिक किया, ये सबसे मेन रीजन हो सकता है एक आपके फेसबुक पेज की रीच डाउन करने का। जैसे यूअर अलर्ट्स पे क्लिक किया, क्योंकि हम रील्स अपलोड करते हैं उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम और इस तरीके से आ जाते हैं, या तो बैकग्राउंड की म्यूजिक की वजह से या किसी वजह से भी। तो ये देखिए, जैसे इसके ऊपर आपको दो मेरे ये दिख रहे हैं, दोनों रील्स ही है, इनके ऊपर कॉपीराइट आया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी चेक करनी है टाइम टू टाइम जाके। मैंने जैसे कोई ऊपर वाली सेलेक्ट कर ली, आप देख सकते हो इस पर केस नंबर भी है और ये कॉपीराइट मैच। इस तरीके से अगर हमारे फेसबुक पेज पे कॉपीराइट के वीडियोज या रील्स होंगे तो दोस्तों बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता फेसबुक उनको। ये देखो, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये कॉपीराइट मैच, इट मे कंटेन 8 सेकंड ऑफ कंटेंट, दे ओन किसी दूसरे का कंटेंट है, इस तरीके से बोल रहा है। यार ये सभी के साथ होती है प्रॉब्लम, लेकिन देखो जैसे ही इस कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हमें इसको रिमूव जरूर करना होता है टाइम टू टाइम। और जैसे ही फिर कंटिन्यू पे, अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे, फिर कंटिन्यू। मैं इसको बता देता हूँ इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे नहीं, बहुत ईजी है दोस्तों। अब चलते जाइए, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है सही में। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे जो मैं बताता हूँ। ये देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आपको करना क्या है, मैं इसको रिमूव करने की ट्रिक बता रहा हूँ क्या करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट चेंजेस, सबमिट डिस्प्यूट, रिमूव वीडियो। सबमिट डिस्प्यूट क्या है, अगर आपको लगता है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है और ऐसे ही आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया तो उससे कर सकते हैं। मेरे को ये रिमूव वीडियो करना है, जैसे इस पर सेलेक्ट किया और फिर कंटिन्यू, आप बड़ी इजीली देख सकते हो डिलीट वीडियो। इसका यहाँ से झमेला ही खत्म कर देते हैं यार, कॉपीराइट का, इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, इस रील को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो, जैसे ही इसको डिलीट किया और ये अभी क्लोज। इस तरीके से दोस्तों आप जाके जितने भी आपके वीडियोज हैं रील्स, उनको 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं और इस चीज़ से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी और सेटिंग्स। अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा नए क्रिएटर्स से गलती करके रखते हैं, ये पेज सेटिंग्स, क्योंकि वो पेज बना लेते हैं और इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्राइवेसी का, इसके अंदर मैं 3 चीजें आप लोगों को ऐसे बताऊंगी शायद जो आप लोगों ने, हो सकता है बहुत सारों ने गलत सेलेक्ट कर रखी हो। ये देखिए, सबसे पहली चीज तो ये तो पब्लिक पब्लिक ये बाई डिफॉल्ट होती है, फिर भी आप लोग देख लेना इसके अंदर। ये सबसे पहली चीज देखो, हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। यार ये खुद पूछ रहे हैं फेसबुक आपसे कि जो आपके बाहर के सर्च इंजन है जैसे गूगल है या कुछ भी है, अगर कोई आपके पेज को सर्च करता है तो फेसबुक उसको रिकमेंड करे कि नहीं। यार जब तक आप इसको एनेबल नहीं करोगे तो फेसबुक इसको कहाँ से रिकमेंड करेगा, आप एक चीज़ खुद सोच सकते हो। तो हमेशा दोस्तों यहाँ से आपको इसको एनेबल रखना है। ये पेज बनाते वक्त अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं की होगी सेटिंग्स, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, तो आपको यहाँ से इसको ऑन करना है। जैसे ही ऑन करोगे, अब चलते हैं बैक। अब मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ, अलाउ यूर पेज बी रिकमेंडेड टू पीपल लुकिंग एट सिमिलर पेजेस। यार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप नए फेसबुक पेज क्रिएटर हो तो ध्यान से सुनो आप। चूज वेदर यूर पेज इज रिकमेंडेड टू अदर्स, वो ये बोल रहा है मान लो आपकी जिस कैटेगरी पे आप काम करते हो अपने पेज पे, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, मूवी क्लिप्स, कुछ भी, तो और जो पहले ऑलरेडी जो बड़े पेज है इनसे रिलेटेड, उनके साथ आपके पेज को रिकमेंड करे कि नहीं। बहुत सारे लोग इसको यहाँ से ऑफ करके रखते हैं, यार कैसे फेसबुक आपके पेज को रिकमेंड करेगा, कहाँ से रील्स वायरल होंगी, वीडियोज वायरल होंगे, तो जस्ट इसको हमेशा आप एनेबल रखना। और अब देखिए, अलाउ पीपल एंड पेजेस टू मैसेज योर पेज, ये फेसबुक आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आपके जो पेज के ऊपर जो वीडियो जो रील्स है उनके ऊपर कोई कमेंट करे कि नहीं। यार जब तक कमेंट ही नहीं करेंगे कहाँ से रील्स वीडियो वायरल हो जाएंगे, आप खुद सोच के देखिए। एक चीज़, बहुत सारे इसको यहाँ से ऑफ रखते हैं, इसको हमेशा यहाँ से आपको ऑन रखना है। अगर आपके और भी ये ऑन है पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, अभी आगे देखते जाओ। इसमें और 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो आपके फेसबुक पेज को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये पब्लिक पोस्ट। जैसे ही पब्लिक पोस्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये तो सारे बाय डिफॉल्ट पब्लिक पब्लिक ही होते हैं, फिर भी आप लोग देख लेना। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, शो मोस्ट रिलेवेंट कमेंट फर्स्ट। अगर किसी लोगों को कमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही, कमेंट नहीं दिख रहे या कुछ भी, तो इसको यहाँ से देख लेना आप, ये इस तरीके से होनी चाहिए। और अब मैं बता देता हूँ जो बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं उनको नहीं पता, ये कंटेंट मॉडरेशन में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रोफेनिटी फिल्टर।
मैं इसके बारे में बताता हूँ, हाइड पोस्ट एंड कमेंट विद प्रोफेनिटी। मैं आपकी नॉलेज के लिए चीज बता के चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके पेज पे, वीडियोस पे, रील्स पे गंदे कमेंट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आप इसको हमेशा एनेबल रखना, ताकि आपके पेज पे और वीडियोस पे कोई इस तरीके से गंदे कमेंट, उल्टे सीधे कमेंट नहीं कर सके। ये फेसबुक खुद ये फीचर दे रहा है, तो दोस्तों आप इसको यूज जरूर करना। मैंने आपकी नॉलेज के लिए चीज बता दी है, एनेबल प्रोफेनिटी फिल्टर, इसको हमेशा आप एनेबल रखना। अगर इसको एनेबल कर दोगे तो फेसबुक के आपके वीडियोज पे, रील्स पे कोई इधर उधर के फालतू कमेंट्स नहीं कर सकता, और ना ही कुछ इस तरीके से। अब देखो एक बहुत और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये रेस्ट्रिक्शंस, एज रेस्ट्रिक्शन। ये अगर गलती से आप लोगों ने पेज बनाते वक्त कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया होगा, तो ये देखिए मैं बताता हूँ इसके बारे में। पीपल हु फॉलो योर पेज बट डजंट मीट द एज रेस्ट्रिक्शन विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स। अगर आपने ये पब्लिक नहीं कर रखा और इनमें से कोई एक और सेलेक्ट कर रखा है, तो सही बता रहा हूँ दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो भी जितने भी आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, अगर आपने एज रेस्ट्रिक्शन लगा रखी हो, फॉलोअर्स फेसबुक ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। और अगर आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर रखा है और किसी ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हो, तो उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन नहीं हो सकते, बड़ी इजीली देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम एनी ग्रुप। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना, ये पब्लिक पे रखना है, अदरवाइज आप ना तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और ना ही कोई एज रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, तो जो भी फॉलोअर्स आपसे जुड़ेंगे उन एज से रिलेटेड, वो फेसबुक ऑटोमेटिकली उनको डिलीट कर देता है। अब दोस्तों थोड़ा सा बैक चलते हैं, और अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रील्स। ये बहुत सारे गलती करके रखते हैं, रील्स वीडियो वायरल नहीं होती। सबसे बड़ा रीजन एक ये भी होता है, अलाउ पीपल टू शेयर योर रील्स टू देयर स्टोरीज। यार आपको ये अलाउ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आपकी रील्स को कोई शेयर करेगा आगे, तो ही दोस्तों आपके फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, आपके पेज का नाम की भी ग्रोथ होगी इस तरीके से। तो आप इसको हमेशा एनेबल रख सकते हो। और अब फ्रेंड्स इसमें देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पेज रिकमेंडेशन। इसके बारे में पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ। ये देख जरूर देख लेना आपकी पेज की हेल्थ, ये पेज रिकमेंडेशन, कि फेसबुक आपके पेज को रिकमेंड कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, पेज हैज नो इश्यूज, गुड न्यूज टू, नो वायलेशंस टू शो। आपका भी फेसबुक पेज दोस्तों इसी तरीके से शो होना चाहिए, पेज इज रिकमेंडेबल और एलिजिबल टू मोनेटाइज। तो ही दोस्तों आपका फेसबुक पेज बहुत जल्दी से ग्रो होगा, और आप उस पर रील्स अपलोड करोगे, वीडियोज अपलोड करोगे, उनके ऊपर अच्छे खासे व्यूज आने के चांसेस पूरे से पूरे रहेंगे। चार पांच चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है, सही में इनको जाके एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि इनकी वजह से अगर आपने इनमें से कोई भी सेटिंग गलत सेलेक्ट कर रखी होगी, तो फेसबुक आपके पेज को ज्यादा रिकमेंड नहीं करता और उसकी रीच बिल्कुल डाउन कर देता है धीरे धीरे। इसीलिए यही होता है कि नए फेसबुक पेज जो नए क्रिएटर्स होते हैं, वो खूब रील्स भी अपलोड करते हैं, वीडियोज भी अपलोड करते हैं, और उनके ऊपर व्यूज सही से नहीं आते। ये मैंने चार पांच रीजन आपको बताया, प्लीज इनको जाके चेक कर लेना। दोस्तों जाते जाते यही कह रहा हूँ, देखो एक तो ये सेटिंग्स होगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इनको प्रॉपर तरीके से देख लेना। और दूसरी चीज ये होती है कि आप कंटिन्यूसली से काम करना, कंटिन्यूअसली रील्स अपलोड करना, वीडियोज अपलोड करना। ये नहीं है आप गैप में वीडियोज अपलोड कर रहे हो, रील्स अपलोड कर रहे हो गैप में। तो दोस्तों इस वजह से भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, फेसबुक आपकी रील्स की और वीडियोज की रीच डाउन कर देता है, उनको आगे रिकमेंड नहीं करता। और आगे रिकमेंड ही नहीं करेगा तो दोस्तों कहां से रील्स वायरल हो जाएंगे, कहां से वीडियो वायरल हो जाएंगे। अब जाते जाते एक लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देके जा रहा हूं। अगर आप रील्स अपलोड करते हो और या वीडियोज अपलोड करते हो, देखो रील्स अब भी आप अपलोड करो, एक तो उसका टाइटल ऐसा होना चाहिए, उसमें सस्पेंस होना चाहिए, उस टाइटल को देख के लगे कोई भी जिस व्यूअर्स के पास जाए, इसमें देखते हैं यार इसमें ऐसा क्या है और क्या नहीं। और एक दोस्तों उसमें आपको वीडियो के अंदर भी और रील्स के अंदर दोनों के लिए एप्लीकेबल चीज है, उस रील्स में आपको लास्ट तक सस्पेंस बना के रखना है, थोड़ा बहुत जिस तरीके से आप अपलोड करते हो उसमें एक थोड़ा बहुत सस्पेंस जरूर होना चाहिए, ताकि व्यूअर्स उसको थोड़ा लास्ट तक देखे। ये नहीं स्टार्टिंग में जैसे मान लो उस पर क्लिक किया और वो उसमें कोई सस्पेंस नहीं है, इस तरीके से अट्रैक्टिव नहीं लगा, तो उसको जस्ट स्वाइप अप कर देते हैं। और दोस्तों इस वजह से एक रीजन होता है, इसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है, क्लिक थ्रू रेट भी मेंशन करते हैं इसमें, एवरेज जो व्यू ड्यूरेशन होता है, मतलब कितनी देर तक स्टार्टिंग में व्यूअर्स ने देखा। अगर दोस्तों उसको देखते ही स्वाइप अप कर रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से भी फेसबुक उन रील्स की, उन वीडियोज की रीच डाउन कर देता है। तो आपको इस तरीके से काम करना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ा के चलनी है, ताकि जो भी व्यूअर जिनके पास रील्स आपकी जाए, वीडियो जाए, तो उनको थोड़ा लास्ट तक देखे, और वो देखेगा तभी दोस्तों या तो उस कंटेंट में बहुत ज्यादा दम होना चाहिए, या उसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस आप लोगों को बना के रखना होगा, तो ही व्यूअर्स दोस्तों लास्ट तक देखता है। और इसी वजह से जैसे जैसे एवरेज व्यू ड्यूरेशन जिस रील का और जिस वीडियो का ज्यादा आता है स्टार्टिंग में, फेसबुक उन रील्स को और वीडियोज को दोस्तों आगे से ज्यादा रिकमेंड करता है। और गारंटी दे रहा हूं, जिनके ऊपर एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत अच्छे से आ गया स्टार्टिंग में, तो फेसबुक उनको ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करता है, और उन रील्स के ऊपर और वीडियोज के ऊपर अच्छे खासे के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स अब जाते जाते ये कह रहा हूं आप लोगों को, अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को लगा हो
मैंने आपके साथ कोई अच्छी चीजें शेयर की जो शायद आप लोगों को नहीं पता थी, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ध्यान रखिए, बेस्ट।